दुख करूं इस बात का ते वक्त ये दुखदाई है। क्यों दुख करूं इस बात का ते वक्त ये दुखदाई है। मुझको खुशी इस बात की के साथ मेरे साई है, साथ मेरे साई है, साथ मेरे बाबा है। आओ करें साईनाथ से प्रार्थना। दुख करूं इस बात का ते वक्त ये दुखदाई है। तू दुख करूं इस बात का। आओ करें साईनाथ से प्रार्थना। जय श्री साई। जब अंधेरा छा जाता है और रोशनी की थोड़ी सी झलक भी नहीं दिखती, दवा भी काम करना छोड़ देती है और जीवन की आखिरी उम्मीद भी नहीं बचती, तब समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ के आशीर्वाद सभी के लिए जीवनदायी अमृत के समान है। यह आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है। अवतार काल में और महासमाधि के बाद भी समाधि से बाबा ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा ही की है। सभी साई भक्त बाबा के लिए अपने बच्चे समान हैं। कभी ममता मई साई यानी कि माँ, तो कभी अपने संतान के भलाई के लिए कभी कठोर बाबा यानी कि पिता। ऐसे दोनों ही रूपों में उन्होंने सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण ही किया है और इसीलिए हर साई भक्त में उनका अंश है। तभी तो सारे साई भक्त उनकी तरफ इतने खींचे जाते हैं। इसी विश्वास पर आधारित है कार्यक्रम आओ करे साईनाथ से प्रार्थना, क्योंकि बाबा के भक्त रूपी करोड़ों अंश एक साथ किसी के लिए प्रार्थना करेंगे या फिर दुआ मांगेंगे तो बाबा उनकी फरियाद जरूर सुनेंगे। तो चलिए प्रार्थना और दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। जिनके लिए हमारे पास प्रार्थना का निवेदन आया है उनका नाम रमेश बुदई है। वे काफी समय से बीमार है, उनको काफी सारी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, तो हम सभी मिलकर उनके इस मुश्किल वक्त में सद्गुरु श्री साईनाथ जी से इनके लिए प्रार्थना करें कि बाबा उनको इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे, उनका शरीर स्वस्थ हो जाए और आगे आने वाला जीवन वो अच्छे से जिए और उनका परिवार हर दिन उनके लिए बाबा से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आ जाए। जो भी साई भक्त इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से साई लीला टीवी अनुरोध करता है कि हम सभी मिलकर अनेकों प्रार्थनाएं करें, क्योंकि जो दूसरों की अच्छे की कामना करते हैं बाबा उन्हीं की झोली खुशियों से भरते हैं। आप आपकी प्रार्थना कमेंट के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। जय श्री साई। जिनके लिए हमारे पास प्रार्थना का निवेदन आया है उनका नाम रंगलता साहू है। वे काफी समय से बीमार है जिसके कारण उनको अनेक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, तो हम सभी मिलकर उनके इस मुश्किल वक्त में सद्गुरु श्री साईनाथ जी से इनके लिए प्रार्थना करेंगे। बाबा उनको इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे, उनका शरीर स्वस्थ हो जाए और आगे आने वाला जीवन अच्छे से जिए और उनका परिवार हर दिन उनके लिए बाबा से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आ जाए। जो भी साई भक्त
इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से साई लीला टीवी अनुरोध करता है कि हम सभी मिलकर अनेकों प्रार्थनाएं करें, क्योंकि जो दूसरों के अच्छे की कामना करते हैं बाबा उन्हीं की झोली खुशियों से भरते हैं। आप आपकी प्रार्थना कमेंट के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। जय श्री साई। जिनके लिए हमारे पास प्रार्थना का निवेदन आया है उनका नाम विजय बुधई है। वे काफ़ी समय से बीमार है, उनको काफ़ी सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, तो हम सभी मिलकर उनके इस मुश्किल वक्त में सद्गुरु श्री साईनाथ जी से इनके लिए प्रार्थना करेगी। बाबा उनको इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे, उनका शरीर स्वस्थ हो जाए और आगे आने वाला उनका जीवन वो अच्छे से जिए और उनका परिवार हर दिन उनके लिए बाबा से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आ जाए। जो भी साई भक्त इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से साई लीला टीवी अनुरोध करता है कि हम सभी मिलकर अनेकों प्रार्थनाएं करें, क्योंकि जो दूसरों के अच्छे की कामना करता है बाबा उन्हीं की झोली खुशियों से भरते हैं। आप आपकी प्रार्थना कमेंट के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। जय श्री साई। यह जीवन ऐसा ही है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी कष्ट तो कभी आराम, कभी कठिन तो कभी आसान। लेकिन जिसको भी सद्गुरु श्री साईनाथ की छत्र छाया मिलती है वो गम में भी मुस्कुराता है, दूसरों के अच्छे की कामना करता है, क्योंकि दुनिया में जहाँ पर भी सच्चाई, भलाई और अच्छाई है, हाँ वहीं पर तो साई है। इस कोरोना महामारी में अगर आप भी आपके परिवार के सदस्य के लिए या फिर आस पड़ोस के लोग, दोस्त और रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण निवेदन, आओ करें साईनाथ से प्रार्थना। इस कार्यक्रम में जो समस्या या परेशानियों को शामिल किया जाएगा जिनका पैसों से निवारण नहीं किया जा सकता तो संपर्क करें 8799773196 पर। जय श्री साई। साई है साथ मेरे बाबा है, जो दुख करूं इस बात का ते वक्त ये दुखदाई है, जो दुख करूं इस बात का ते वक्त ये दुखदाई है, मुझको खुशी इस बात की के साथ मेरे साई है, साथ मेरे साई है, साथ मेरे बाबा है। आओ करें साईनाथ से प्रार्थना। जब दवा भी काम न आए तब दुआ ही काम आती है। अपने लिए तो हर कोई दुआ मांगता है, लेकिन बाबा भी उन्हीं की सुनते हैं जो अपने लिए नहीं किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जहां सच्चाई, भलाई और अच्छाई है, हाँ वहीं तो साई है। प्रार्थना में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। जैसे आते बाबा के पास, जैसे लगता सब कुछ बेबसी ना कामिया हो चाहे मेरी चाह में। मन से निकली हर एक दुआ, हर छोटी मोटी कामना किसी जरूरतमंद, व्याधि से परेशान,
या फिर किसी के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत काम आ सकती है। अगर आपको या फिर आपके रिश्ते में, आस पड़ोस या फिर दोस्तों में कोई भी किसी भी व्याधि या फिर समस्या से जूझ रहा है और उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है, तो हमें उनका फोटो, नाम, व्याधि या समस्या भेजेंगे तो साई लीला टीवी के माध्यम से जुड़े लाखों साई भक्त आओ करें साईनाथ से प्रार्थना। इस कार्यक्रम में आपकी समस्या के लिए सदगुरु श्री साईनाथ महाराज से दुआ मांगेंगे, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कामना करते हैं उनके साथ हमेशा सदगुरु साईनाथ रहते हैं। संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। साई लीला टीवी, आरंभ साई युग का। जब छाया अंधियारा तुमको ही पुकारा साई, श्रद्धा और सबूरे की तुमने ही जो जलाई, हमको राह दिखाने ही बाबा ये तुमने रचाई। भूखे को खाना साई लीला, प्यासे को पानी साई लीला, जब छाया जरूरतमंदों की सेवा पुकारा साई, जहाँ पर भी भलाई है हाँ वहीं पर तो साई है। बाबा की दी हुई शिक्षाओं पर अग्रसर रहेगा साई लीला टीवी। साई लीला, श्री साई सगुनोपासना, श्री साई कृपा दृष्टि और श्री साई संजीवनी इम्यूनिटी टी के लिए दी गई हर सहयोग राशि से होगी जरूरतमंदों की सेवा। बाबा की हांडी से होगा जीवन का महत्वपूर्ण साई कार्य, अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान। जीवन में भलाई लाएं, घर में साई लाएं। पर अनोखा रूप तुम्हारा साई, तेरी बूढ़ी मस्जिद भी कहलाए द्वार कमाई, सबको बांधे एक डोर में बाबा ने जो दिखाई। साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई को दाता तेरे चरण जो लागे, उस दिन से ही हम बच्चों के सोए भाग है जागे, छाओ तेरी ममता के पाके हमने निस दिन गा।
जो चढ़ जाए उतरे पार, तेरी धुनी की उदी से मिट जाए रोग विकार। साईं टीवी आरआर साईं युग का।